जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिगर काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में, जो 10 लेक्शन गुरु के पिछले वीडियो था, उसमें ये स्टूडेंट ने डिमांड किए थे कि हम लोग को रीनिंग का और मैथ का टॉपिक छोटे छोटे वीडियो, तो आज हम उसी को लेकर के आए हैं फिगर काउंटिंग में। और फिगर काउंटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसमें कई तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो हम लोग अलग अलग टाइप से जो भी आएगा हम लोग उसको पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट टाइप में देखते हैं। फर्स्ट टाइप में ये देखा गया है कि इस तरह से कोई भी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, इसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या पूछेगा, तो इसके हम कैसे इसको संख्या के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितना आधार दिया हुआ रहेगा, आधार पर क्या करेंगे हम लोग उसकी संख्या को लिखेंगे। इसकी संख्या एक हो जाएगी और ये हो जाएगा दो। अब इसमें हमको पूछा है कि कितने त्रिभुज होंगे, तो इसको क्या करना है हम लोग को ऐड कर देना है, यानी एक जोड़ दो बराबर एक कर देना, तीन हो जाएगा। मतलब कि इस फिगर में हम लोग को त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। चलिए इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी एक दो तीन। अब इस टोटल को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, यानी एक जोड़ दो जोड़ तीन। अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तीन और दो पाँच, एक कितना हो जाएगा छः। मतलब कि इस फिगर में हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी। चलिए अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार और जोड़ पाँच। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पाँच और नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, चौदह कितना हो जाएगा पंद्रह। मतलब कि इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हमारे टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, पंद्रह हो जाएगी। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच और छः। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे क्या होगा, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह दो बीस, एक इक्कीस। मतलब इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्कीस। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा दे दिया जाएगा, इसमें आधार बढ़ा दिया जाएगा, एक आधार ये हो गया और एक आधार ये हो जाएगा, इस तरह से संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ाते चला जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम पिछले टाइप में हम लोग देखे थे कि काउंट कर रहे थे, उस तरह से इसमें भी क्या करेंगे, निकालेंगे, एक हो जाएगा और ये दो, तो इस पर कितना हो जाएगा, इस आधार पर हमारा कितना त्रिभुज बनेगा, तीन त्रिभुज बनेगा, क्योंकि एक जोड़ दो कितना होता है, तीन। उसी तरह से इस आधार पर भी बनेगा कितना त्रिभुज, एक जोड़ दो करेंगे कितना हो जाएगा, तीन। मतलब कि इसमें हम लोग कितना मिलेगा, तीन इस आधार पर त्रिभुज बनेंगे और तीन इस पे बनेंगे, तो हम लोग को तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा, छः। मतलब कि इस फिगर जो है उसमें हम लोग कितना त्रिभुज बनेगा, छः त्रिभुज बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको भी उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। उससे इसमें जब देखेंगे तो इस आधार पर हमारा कितना त्रिभुज बनेगा, तो उससे ऐड करके देखेंगे इसको, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार, और अब कितना हो जाएगा, चार तीन सात, सात दो नौ, नौ एक कितना हो जाएगा, दस। मतलब कि इस आधार पर हमारा कितना बनेगा, दस त्रिभुज बनेगा। दूसरे से इस पर भी हमको कितना बनेगा, दस बनेगा। इस पर भी हमको कितना बनेगा, दस बनेगा। मतलब कि इसमें टोटल जितनी त्रिभुज की संख्या हो जाएगी, दस दस बीस और दस कितना हो जाएगा, तीस। तीस हमारी टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। अब चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में इस तरह से बनाए जाते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जितने आधार बनेंगे सभी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सही पर क्या लिखेंगे, एक दो तीन, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब क्या करना है, एक है दो तीन चार, फिर इस आधार पर लिखेंगे एक दो, फिर इस पर लिखेंगे एक दो। अब देखेंगे इस पर कितना हमको त्रिभुज बनेगा, तो चार तीन सात, सात दो नौ, और नौ एक कितना हो जाएगा, दस। मतलब कि इस आधार पर कितना त्रिभुज बनेगा, हमारे दस बनेंगे। इस पर कितना बनेगा, तो तीन, और इस पर कितना बनेगा, तो तीन। मतलब इस त्रिभुज में टोटल हमको त्रिभुज कितना बनेगा, तो दस और तीन तेरह हो जाएगा, और तेरह तीन कितना हो जाएगा, सोलह। मतलब दस जोड़ तीन जोड़ तीन, मतलब कितना बनेगा, सोलह बन जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यह सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें देखते हैं। इसमें भी नीचे उसी तरह से काउंट हम लोग करेंगे, एक दो तीन, फिर इस पर काउंट करेंगे एक दो
तीन, इस पर काउंट करेंगे एक दो। अब देखिए एक जोड़ दो तीन हो जाएगा, और तीन या तीन कितना होगा छः, मतलब कि इस आधार पे हमारा कितना त्रिभुज बनेगा, छः त्रिभुज बनेगा। अगला है इस आधार पर भी हमारा कितना बनेगा, छः बनेगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ दो तीन हो जाएगा, और तीन और तीन कितना होता है छः। इस पर देखेंगे एक जोड़ दो हो जाएगा, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा तीन। अब इस हम लोग जो फिगर दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना त्रिभुज हम लोग को बना, छः और छः कितना हो जाएगा बारह, जोड़ तीन बनेगा कितना हो जाएगा पंद्रह, यानी इस फिगर में हमारे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, पंद्रह हो जाएगी।